दोस्तों स्वागत करते हैं एक बार फिर से अपने नए ब्लॉग में अपने YouTube चैनल दीपक जायसवाल ब्लॉग पर। आई होप कि आप लोग जहाँ भी होंगे मस्त होंगे। तो गाइस पूरा परिवार हो गया है तैयार, मैंने भी हो गया तैयार, मैंने भी हो गया तैयार। चलिए चलते हैं। तो गाइस बने रहे ब्लॉग में, चलते हैं कुछ और सामान लेना है मार्केट से, और मेहंदी रस्म की तैयारी चलेगी, आप लोग को देखने को मिलेगा, बहुत अच्छा होने वाला है। मम्मी भी हमारी रेडी हो गई है, तो चलते हैं आते हैं। आप नहीं रेडी होंगे, आप तो नहीं पहनोगे। चलिए तो गाइस जो लोग चैनल पर नए बने हुए चैनल को सब्सक्राइब करें, ढेर सारा प्यार दीजिए। और हम देख इधर मम्मी हमारे किचन में पूरा काम धाम में लपट गई हैं, तो इस्तेमाल मम्मी के हाथों में है, पानी भी गर्म करके दे रही हैं। विजय भाई आए हैं ड्यूटी से, कुछ नाश्ता पानी दे रही है मम्मी। हाँ बंद हो गया होगा, और सुना छी अपनी नानी का हाथ बटा रही है। और अभिका बेटी हमारी अभिका कैसी है बेटा, कैसी है, कैसी है अभिका? सोना देखेगी याद करती है, कहती बाबू उंगली पी रही है, उंगली पी रही है, नहीं पीते नहीं पीते नहीं पीते। इसीलिए तुम परेशान हो मोबाइल चलाने के लिए, मोबाइल कम चलाया करो। चलो हो जाए सही बात, उनके पहले तो पीने के कहते रहे आपको, पहने के बिना करी नहीं नहीं लोग बोलेंगे सब खुद के आगे सब बारे में थोड़ा ड्यूटी से बड़ा जल्दी बारह बजा बड़ा अच्छा लगा, तैयारी पूरी हो गई है। जीजा जी खाली हमारे सब मेहंदी रसम का पहने, हम पहले से ही एडवांस में हल्दी रसम का पहन के बैठे अच्छा है। और सब लोग मम्मी भी आज काफी अच्छी लग रही है, हम ऑलराउंडर है, थोड़ा हल्दी छिड़क लीजिए ना, हम हो जाएगा पीला पीला, शुभ कर लेते हैं, बांस गाड़ दे तू लड़का को, हम हल्दी को मेहंदी बोल देते, मेहंदी को हल्दी बोल देते, चलेगा आजकल सब चलता है, दोनों प्रोग्राम साथ में है ना, इसलिए दोनों निकलना है। सोनाक्षी ट्वेल्थ क्लास में वो मुझे भाभी नहीं बोलती आपनी तो जब तैयारी होने जा रही है मेहंदी रस्म की और हल्दी रस्म की, हो गया है तो यहाँ हल्दी रखा हुआ है और हम चलते हैं। सूट वाले सूटिंग वाले तो बने आप लोग ब्लॉग में, मिलते हैं कुछ देर में। चलो स्टार्ट करो, ये शॉर्ट है ना मेरे वाला, हां ये वाला शॉर्ट है, मेरा वाला ब्लॉग है, ऐसी लवाई थी कि रेडीमेड ही थी, साइड मिल गया था, पूरा डिटेल इनको बता दो पहले, वो भी है अपना अपना पहले वो रखे ना फिटिंग करके रखे, नहीं अच्छा लग रहा जो उस दिन देख रहे थे, मन करेगा दे देना कभी पहनने, चलो स्टार्ट करते हैं ना, हो जाएगी वो फिटिंग करके दे, मोटी है पतली है नहीं तो लगा ना हुआ नहीं हुआ, वो फिटिंग करके देते हैं लहंगा दे दीजिए, वो तो फ्री साइज होगा उसको फिर फिटिंग कराएंगे। अरे बस लेडीज होगा, बात करो
विनय भाई उमर मम्मी अभिकास सोनाक्षी नहीं सही है थोड़ा सबको स्वागत होना चाहिए ना जेकर बहुत भर एक लगा अरे मम्मी हमको लगा नहीं रख दिया पता ही नहीं चला अब देख सकते हो बस करो चलो भैया चलो आपके लगा जाओ तो मत इधर पूछिए इधर मेरा भाई रख दो भाई रख दो नहीं रख दे नहीं रख दे कपड़ा सब हाथ पूछिए वही रख दो मैं भाई के पे गलत होते ना मेरे नहीं रोते हैं अब गाना है तू भौजाई हो तो कहते क्षमा क्षमा गावे थे सड़क रहा है हल्दी लगाओ रे मैं नहीं खा रही इतना आ जाओगे आगे और हल्दी का ना पूछ ले गावा भी हल्दी मैं लग नहीं वाली मेहंदी है रच वाली कराची ना लगा दो तू लगाया कराची तो तेरे लिए नहीं लगाई क्या बहुत शांति माहौल अपना ही सॉन्ग लगा देंगे मैं तेरा का पता अब मेरा हो गया तो सो गाइस देख सकते हैं यहाँ पर हल्दी रस्म बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है और साथ में ये डीके जी भाई को हल्दी लगा दे हल्का ऐसे लगा के सब लोग बहुत ज्यादा पूछ रहे हैं देख सकते हैं मेरा फोड़ा फोड़ लिया है जी और सब लोग काशी विष्णु और हम लोग कुछ अच्छा सा सेल्फी लेते हैं अब गाइस सेल्फी लेते हैं मजा आएगा हल्दी रस्म हो गया है और ऐसे भगवान करे जल्दी से आपका भी हल्दी रस्म नहीं मम्मी का कॉम्बो ड्रेस है ना हल्दी और मेहंदी का दोनों नहीं होने वाला है अजीजा जी हमारी हमारा इनका तो जोड़ी वाकई में वैसे तो हमारा मेहंदी वाला पहने ये तो मेहंदी वाला ही पहने बोलो जल्दी आए क्योंकि सुन के काफी यादगार पल थी वो जब किट्टू की शादी हो रही थी तो चीज अमित जी के ब्लॉग में आया है और हम लोग भी काफी इमोशनल हो गए थे होता है कभी कभी वो पल याद आ जाते हैं बातें छिड़ जाती हैं तो लगता है और आंखें भर आई मम्मी पूनम दीदी से बात कर रही हैं कुछ बातें हो रही हैं तो चलिए कैसा लगा ब्लॉग ये वाला अगर पसंद लगा हो तो आप लोग लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट ब्लॉग में मेहंदी रस्म में।
तो जरूर आप लोग नेक्स्ट ब्लॉग का इंतजार करिएगा, प्यार दीजिएगा गाइज, बिल्कुल प्यार मत कम करिएगा, आप लोग के प्यार की बहुत जरूरत है। उम्मीद रखते हैं कि आप लोग इतना प्यार दोगे, इतना प्यार दोगे इस दीपक जायसवाल को कि दीपक जायसवाल आपके हमेशा आभारी रहेंगे और हमेशा रहता भी हूँ। तो चलिए देर मत करिएगा, नेक्स्ट ब्लॉग का इंतजार आप लोग करिएगा। मैं दीर्घ समय मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय टाटा, थैंक यू सो मच, लव यू।